Understand you soon, it won't be long. Keep on being body. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आज फिर से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब बटन को दबा दो और जो बगल में घंटी दिख रही है ना उसको भी बजा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यार आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से CWL में जो मिसमैच होते हैं DHS के उस पर कैसे अटैक कर रहे हैं। तो ये जो है यार अपने CWL के परफेक्ट जो मिसमैच है स्टिल कंटिन्यूड, मैं आपको दिखाता हूँ। अगली बार जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है जो नेक्स्ट राउंड है, और इसमें यार आप खुद ही देख लो यार, मतलब TH12 को यार TH13 मिल रहा है। स्टार्टिंग के जो इनके स्टार्टिंग के कितने हैं, 5 बेसिस है, TH13 ही है और हमारे पास टोटली TH13 दो ही TH13 है। तो आप सोच सकते हो यार कि मतलब कितना बड़ा मिसमैच है ये। और जो हमारे दो TH13 है वो भी जो है हमने जानबूझ के करवाए हैं ताकि हमें जो डोनेशंस मिल सकें सीज बैरक वगैरह की। आपको पता होगा कि TH13 में जो है हमें लेवल 4 तक की सीज बैरक मिल जाती है। सीज बैरक की शुरू TH13 से होता है, वो दोनों बेसिस इसीलिए हैं, बट इनके चक्कर में लेना पड़ जाता है यार। बताओ ऐसे बेस मिलते हैं मिसमैच, तो ये पूरा गड़बड़ी है। और इस वाले में यार अपन ने सोचा है कि हम जो है TH12 पे अटैक करें। अभी तक हम TH13 पे अटैक कर रहे थे, 0 स्टार या 1 स्टार ऐसे ऐसे हो रहा है। हालांकि 2 स्टार भी कर सकते थे बट दिक्कत तो आ रही है। तो चलो यार देखते हैं अभी क्या बनता है। मैं यार जो है ड्रैग बैट का यूज़ करूँगा फिर से और मैं 6 नंबर बेस पे अटैक करूँगा। एक्चुअली क्वीन वॉक से मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, रिस्की हो जाएगा क्योंकि सिंगल इन्फर्नो है, तो क्वीन जो है मेरी तुरंत ही खत्म हो सकती है। ये CWL तो वाहियात गया, एकदम वाहियात। तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि मेरा 1 स्टार भी आ जाए। तो यार जैसा स्ट्रेटजी जैसी प्लान थी उस हिसाब से ही करता हूँ अटैक, बाकी देखते हैं क्या बनता है इसमें। वैसे बेटर रहेगा अगर मैं जो है ना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से तो हम किंग छोड़ देंगे ठीक है, और जो मैं ड्रैग्स है ना यहाँ छोड़ देता हूँ बीच में सारे, ये ज़्यादा बेटर होगा है ना। पीछे पीछे से अपनी जो है वार्डन और क्वीन, क्वीन यहाँ आ जाएगी, वार्डन यहाँ रख लेंगे थोड़ा। उसके बाद जो मैं स्टोन स्लैमर यहाँ से छोड़ दूँगा यहाँ से, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा कि एक इन्फर्नो और एयर डिफेंस तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे यार जब तक यहाँ आएंगे तो रेज कर दूंगा और वार्डन एबिलिटी भी यहीं पे एक्टिवेट करनी पड़ेगी ठीक। बस ईगल रह जाएगा एक, तो कोशिश करते हैं कि जो मैं अपनी वो डालूंगा क्या कहते हैं बैट्स, वो यहीं पे डाल दो मतलब इसके ऊपर विज़ार्ड के ऊपर, अगर ये नहीं मरता है तो। इन केस अगर मरता भी है तो यार वो ऑन द स्पॉट ही बता सकते हैं देख के कि किस पे कहाँ से जो है बैट्स मुझे छोड़ने चाहिए। तो यार इसको करके देखते हैं, बड़े आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, देखते क्या बनता है। अपनी जो आर्मी है सारी रेडी है। और यार ये ज़रूर ध्यान रख लो कि आपका जो वार्डन है वो जो है एयर है, एयर पे ऑलरेडी सेट है। बाकी ट्रूप्स भी जो है रेडी हैं, तो यार करके देखते हैं। अरे यार फ्रीज की गड़बड़ हो गई क्या, एक फ्रीज रह गया यार, ऐसा कैसे हो गया। तो यार यहाँ पे शेखर ने अटैक स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था इस बार हम प्लान कर रहे हैं इस वाले राउंड में जो है अपन ये 12 पे करेंगे, क्योंकि यार इससे स्टार्स भी कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। मिनिमम जो है 8 स्टार्स चाहिए होते हैं पूरे CWL में ताकि जो आपकी ट्रॉफीज़ है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे शेखर जो है यार क्वीन वॉक कर रहा है माइनस के साथ ही, और वॉल रैकर लेके गया है। क्वीन यार इसकी फिर डाइवर्ट होगी, इसको अंदर जाना था, तो यहाँ ये अटैक जो है गलत बैठ सकता है। स्टार्टिंग में आप क्वीन वॉक को जो है जज कर सकते हो कि कैसा जाने वाला है, हालांकि माइनस बचा लेते हैं बहुत हद तक, बट देखो क्या होता है। क्योंकि यति को भी देखो CC आ गए हैं, CC जो है
यति को मारने लग रहे हैं। तो यार चलो क्वीन अंदर गई तो है थोड़ी सी, देखो क्या बनता है अटैक में। वहां पीछे का भी क्लियर हो ही गया ऊपर का। एक और रेज भी है भाई के पास। ऐसे इन्फर्नो मल्टी होता तो क्वीन वॉक करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको डर नहीं होता कि आपकी क्वीन खत्म हो जाएगी एक ही बार में, तो आप बहुत हैंड फ्री रहते हो कि यार चलो क्वीन कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल में यार या तो सिंगल से दूर अटैक करो अगर क्वीन बचानी है, और अगर दूर नहीं कर सकते तो आपको किसी एक सिंगल इन्फर्नो को पहले क्वीन से ही मारना पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्रीज भी ले जाना पड़ेगा, एक या दो डिपेंड करता है। यहाँ पे माइनस यहाँ से छोड़ा है और हील्स पर तीन है ही। ईगल नहीं मर पाई पहले क्योंकि क्वीन जो है अपनी यहाँ से एंटर ही नहीं हुई। अगर यहाँ से एंटर करती तो जो है ईगल को भी ख़त्म कर देती, सीसी तो ख़त्म हो ही जाता, और वैसे भी हो ही गया सीसी ख़त्म। यहाँ पे माइनस की हेल्थ कम है। नहीं गड़बड़ कर दी भाई ने। देखो यार क्या बनता है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तो यार माइनस की हेल्थ ही ख़त्म हो ही जा रही है और माइनस तो बचे भी नहीं अब ज़्यादा। नहीं यार तो आप देख रहे हो यार कैसे, मतलब माइनर्स जो है यार दिक्कत पता यही होती है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग एरियाज में, उसके बाद देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे कितने ज़्यादा माइनर्स हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें स्पेल जो है इकट्ठे ही डालना है कई सारे माइनर्स पे। तो यहाँ यही गलती होगी, इसने यार लेफ्ट पे ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं यार, हम जो है अब अपना अटैक करते हैं सिक्स पर, हालांकि मैं कोई श्योर नहीं हूँ। तो यार अब जो अटैक शुरू करते हैं, यहाँ जो यार हमने अटैक स्टार्ट कर दिया है। मुश्किल तो है नो डाउट, दिक्कत तो होगी। तो अपन देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। तो पीछे क्वीन भी छोड़नी पड़ेगी अपन को, जो है यहाँ पे रेज का ध्यान रखना है।
बिल्कुल सही टाइम पे वार्डन एबिलिटी आई है, अब हमें किसी तरीके से बस बैट्स हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, देखते हैं क्या बनता है यार बैट्स का सीन। ओफ मेरे बैट्स खत्म हो गए, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता यार, अटैक फेल हो गया यार, फ्रीज जो है गलत टाइम पे यूज कर लिया यार, ये बकवास अटैक। हालांकि ड्रैगन बचे हैं बट हेल्थ कम है, और विजार्ड टावर भी बचा हुआ है यार, तो मुश्किल ही लग रहा है। वैसे ड्रैगन की हेल्थ थोड़ी है अच्छी खासी, मुश्किल है यार बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो है फेल हो गया अटैक, टाइमिंग्स गलत हो गई यार बिल्कुल ही।